नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कुलप्रीत यादव मैं एक रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर हूं और यह है मेरी किताब लेटेस्ट इसका शीर्षक आप देख सकते हैं द बैटल ऑफ रिजांगला मेरे पास सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस आए कि सर ब्रीफ में बताइए कि यह स्टोरी है क्या तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफ बता देता हूं अगर आप चाहें तो किताब को खरीद के पढ़ सकते हैं अमेजोन में अवेलेबल है अठारह नवम्बर की रात उन्नीस में रिजांगला पर अटैक हुआ 18,000 फीट की ऊंचाई पर रिजांगला है टेम्परेचर माइनस ट्वेंटी डिग्रीज़ था हमारे जवानों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स नहीं थे और चाइनीज़ पाँच हज़ार के लगभग थे और हम लोग केवल 120 थे हमारे कंपनी कमांडर का नाम था मेजर शैतान सिंह और हमारे प्लेटून कमांडर्स का नाम था नायब सूबेदार सुरजा राम नायब सूबेदार हरी राम और नायब सूबेदार रामचंदर ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेटून कमांडर्स थे हमारे प्लेटून तकरीबन तीन किलोमीटर एरिया में फैले हुए थे और पीछे जो है वो हमारा कमांड हेडक्वार्टर का पोस्ट था ये बैटल तकरीबन सात घंटे चली जिसमें चाइना ने हमारे पे सात बार अटैक किया सेवन वेव्स वो बहुत डेस्परेट थे कि वो किसी भी तरह से इसको हथिया लें क्योंकि रिजांगला को अगर वो ले लेते तो वहाँ से बिल्कुल बगल में चुशूल एयरफील्ड है चुशूल एयरफील्ड उनके पास आ जाता तो हमारे सारे एरोप्लेन्स और हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा लद्दाख का रीजन उस समय चले जाता एक घटना ये हुई थी कि वॉर से पहले तकरीबन एक हफ़्ते पहले जब इंडियंस को पता चल गया था कि वहाँ पे इतने सारे चाइनीज़ इकट्ठे हो गए हैं और हमारी जीतने की संभावना नहीं है तो ब्रिगेड से एक मैसेज आया था कि आप लड़ें लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वेपन्स और एम्यशन खत्म हो रहे हैं और अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है तो आप पीछे आ सकते हैं सो so, ये ऑर्गेनाइज रिट्रीट इसको बोलते हैं फौज में ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है आ, लेकिन ये जवान जो थे ये एक कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए थे इनके इनने कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह ने ये प्लेटून कमांडर्स के साथ डिस्कस किया और प्लेटून कमांडर्स ने जवानों के साथ डिस्कस किया और आ, ये ब्रिगेडियर रैना जो ब्रिगेड कमांडर थे और प्लेटून कमांडर सॉरी कंपनी कमांडर जो मेजर शैतान सिंह थे और कमांडिंग ऑफिसर जो आ, लेफ्टिनेंट कर्नल ढिंगरा थे ये लोग सब इंक्लूसिव ऑफिसर थे जो आजकल आ, हम हमको सुनने में आता है जो जवानों के ओपिनियन को भी लेके चलते थे जवानों ने फैसला किया कि हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे और आखिरी बूंद जब तक हमारी खून हमारे रगों में है तब तक हम लड़ेंगे वी विल फाइट लास्ट मैन लास्ट बुलेट और ऐसा ही हुआ वो लोग लड़ते लड़ते शहीद हो गए और 120 में से 110 जवान शहीद हो गए कंपनी कमांडर शहीद हो गए जो 10 जवान वापस आए उन्होंने जब अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया कि ऐसे ऐसे करके चाली कंपनी लड़ी है तो उनकी बात पर विश्वास नहीं किया गया क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी कि 120 लोग 5000 जवानों को कैसे रोक सकते हैं लेकिन कुछ ऊपर वाले ने ऐसी मेहरबानी की कि तीन महीने बाद लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी बर्फ अभी भी जमी हुई थी और फेबरी में एक गडरिया लद्दाख का वो वहां पे घूम रहा था ये देखने के लिए कि भाई मैं अपने जानवरों को ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं बर्फ पिघलनी शुरू हुई है कि नहीं हुई है उसने देखा एक अजीब सा मंजर कि रेज़ांगला पे ट्रेंचेज में अभी भी जवान फ्रोजन अपनी बंदूकें लेके खड़े हुए हैं वैसे तो वो शहीद हो चुके हैं लेकिन बर्फ की वजह से वो फ्रोजन हैं और हर एक जवान ने अपने चेस्ट पे बुलेट ली है किसी ने भी मुड़ के बुलेट नहीं ली है वो गडइया जो था वो दौड़ के आर्मी के पास गया फटाफट न्यूज़ पहुंची आर्मी हेडकोर्टर दिल्ली में और जो ब्रिगेडियर थे ब्रिगेडियर रैना जो ब्रिगेड कमांडर थे वो रेड क्रॉस के साथ मीडिया के साथ आ, उस जगह पे ट्रैक करके फिर से पहुंचे और जो उन्होंने मंजर देखा उसकी फोटोग्राफी की गई और जो पूरा वॉर सीन था वो वैसा का वैसा फ्रोज़न हो गया था एंड उसको देख के सबको समझ में आया कि किस बहादुरी से ये जो चाली कंपनी के जवान थे ये लड़े थे और किस बहादुरी से इन्होंने लद्दाख सेक्टर को बचाया है कमाल की बात दोस्तों ये है कि ये चाली कंपनी में थे कौन ये सारे के सारे अहीर नौजवान थे जो साउथ हरियाणा और यूपी वगैरह से बिलोंग करते थे इनकी आ, कोई हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग नहीं हुई थी इनके पास में केवल एक जज्बा था और इनका जो बैटल क्राई है दादा किशन की जय ये इनके पास में था और इनके जो प्लेटून कमांडर्स थे और जो इनके कंपनी कमांडर्स थे इन्होंने आपस में जो ट्रेनिंग करके रखी हुई थी जो स्ट्रैटेजीज इन्होंने अडॉप्ट की हुई थी और जिस तरह का इनका कोहेसिव जो ये एक, एक वॉर मशीन टीम बनी हुई थी इसने ये कर्तव्य करके दिखाया मैंने बहुत रिसर्च करके दो साल में एक एक चीज को इस किताब में लिखा है इसमें सारे रिसर्च कहाँ से मेरे को मटेरियल मिला किन किन से मैं मिला क्या क्या मेरे को कठिनाइयाँ आई उनका मैंने कैसे कैसे सोल्यूशन ढूंढा क्योंकि इस बैटल पर एक्चुअली कोई भी किताब नहीं है उन्नीस की लड़ाई पर बहुत सारी किताबें दर्जनों मैंने कुछ लिस्ट भी की हैं इसमें मैंने सारी पढ़ी हैं लेकिन सब में ब्रजांगला का वर्णन एक या दो पेज का ही है सो आ, ब्रीफ में इतना ही बता सकता हूं बाकी प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ें आपको बहुत बहुत गौरव आ, प्राप्त होगा और एज एन इंडियन यू यू विल रियली रिमेंबर दिस एंड इसमें लीडरशिप क्वालिटीज रिसोर्सफुलनेस पंक्चुअलिटी टाइम हार्डवर्क ये सारी की सारी चीजें क्वालिटी जो आप किसी भी अपने किसी भी करियर में हों आप आर्मी में ना भी हों तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं दिस इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ 120 हंड्रेड ट्वेंटी जवान हु फॉट फॉर दे मदरलैंड and stop the chinese from taking over ladakh please read it the battle of zangla thank you very much and jai hind